हेलो वेलकम, मैं बिमल। आप देख रहे हैं VTech 46। आज मैं मोबाइल का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए आपको, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो पोको का C3 और रियलमी का C15 कंपैरिजन करेंगे, देखो आपका कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। चलो चलते हैं, करते हैं डिस्प्ले पे बात करें। इसका डिस्प्ले का तो पोको C3 6.53 इंच का डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। और बात करें रियलमी C15 की तो 6.52 इंच का इसका भी डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, माना जाता है कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है दोनों का। तो बात करते हैं इसके रैम के बारे में। पोको C3 का रैम 3 GB है और रियलमी C15 का 3 GB उसमें भी है। दोनों का सेम ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। रैम तो बहुत अच्छा है दोनों का, 3 GB है, बहुत ही सही रैम है, ऐसा माना जाता है कि ठीक ही है रैम दोनों मोबाइल का। चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप भरते। अब बात करते हैं इसका स्टोरेज कितना है। 32 GB स्टोरेज पोको C3 में है और रियलमी C15 में 32 GB उसमें भी है। स्टोरेज तो दोनों सेम ही है, आपके हिसाब से डिसाइड कर लेना कौन सा फ़ोन लेना है कौन। तो दोस्तों चलते हैं इसके बैटरी पे, बैटरी पे बात करते हैं इसका। तो पोको C3 का बैटरी 5 mAh का है, 5000 mAh का सॉरी। और बैटरी बात करते हैं रियलमी का, तो रियलमी की बैटरी 6000 mAh की बैटरी है, जैसे कि 6000 बैटरी तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है रियलमी का, ऐसे देखा जाए तो बहुत ही मस्त रियलमी का बैटरी चलता है। बैक कैमरा की बात करें तो पोको में है 13+2+2, 13+2+2+2। और रियलमी में बात करें 13+8+2+2+2। ये बैक कैमरा है दोस्तों, जाकि रियलमी का कैमरा बहुत ही अच्छा ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत अच्छा है। बात करें इसका फ्रंट कैमरा का दोस्तों, तो फ्रंट कैमरा पोको में है 5 मेगापिक्सल और रियलमी में बताया जाता है कि 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जबकि रियलमी का कैमरा इससे पोको से बहुत अच्छा है, 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। तो आपके हिसाब से डिसाइड करना बजट।